नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं मार्ग तुलसी विवाह संपूर्ण विधि आप सबसे पहले तो स्नान कीजिए स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए सुबह के समय और पूरे विधि विधान से अच्छे से आप तुलसी जी की पूजा कीजिए उनकी सफ़ाई कीजिए गमलों की आपके जो भी गमले में तुलसी माँ है या फिर आपके तुलसी का चौड़ा बनाया हुआ है तो वहाँ पर रखें अच्छे से सफाई कर लें और फिर तुलसी के हर एक पत्ते पर सिंदूर लगा दें थोड़ा सा भी लगा दें प्रतीकात्मक रूप से पर लगाए शाम के समय आपको मंडप बनानी है आपको चाहिए होगा इक सुथनी कुमकुम मौसमी फल पान और पांच प्रकार के अनाज इसके अलावा आपको मंडप में सजाने के लिए आपको चावल का घोल चाहिए होगा आप चावल को फूलने दे दें जल में और उसको पीस कर मिक्सी में और उस घोल से आप एक लकड़ी में रुई लगा लें फिर उसके सहारे आपको बनाना है मंडप सजाना है चारों कोनों में कितार, कितारी रखना है एक को उसके बाद आपको पांच प्रकार के अनाज रखने हैं उसके अंदर ढेरी में आप वहाँ पे चावल के ही घोल से पांच प्रकार के आप अनाज रखने के गोदाम बनाएं एक गाड़ी बनाएं, घर बनाएं, आपको जो भी चीज़ की इच्छा है अभिलाषा है जीवन में सब कुछ बनाएं उस मंडप के अंदर ही उसके बाद सामने में एक अष्टदल कमल बनाइए एक लकड़ी का पाटा रखें उसके ऊपर आप विभिन्न प्रकार के वहाँ पे आपको पुष्पगैया सजाइए और तुलसी महारानी को उस जो आपने मंडप बनाया है बीच में रखें उस पॉट को गमले में अगर आपके तुलसी चौड़ा बना हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आप चारों साइड से सजा दें और इख को मंडप की तरह बना दें हमने एक तस्वीर डाला हुआ है आप देख सकते हैं उसके बाद आप विधिवत तरीके से उनको पंचामृत भगवान सालीग्राम को तुलसी महारानी के ठीक नीचे रहेंगे वो उनके चरणों में उनके जड़ के पास उनको आप सबसे पहले चंदन लगाइए पुष्प माला अर्पित कीजिए पीले वस्त्र में अच्छे से लपेटिए और एक छोटा सा पीला वस्त्र और लीजिएगा साथ ही तुलसी महारानी को उड़ाने के लिए एक चुंदरी लीजिए रेड कलर का और एक रेड कलर का छोटा सा वस्त्र लीजिए और ये दोनों वस्त्र आप दोनों को अर्पित कीजिए अलग से जो आपने छोटा सा वस्त्र लिया है और उन दोनों वस्त्र में गिठ गांठ लगा दीजिए दो गांठ और इसे आप पूजन करने के बाद दूसरे दिन संभाल कर रख लीजिए आप पति पत्नी का रिश्ता मजबूत हो जाएगा धन्यवाद हम फिर मिलेंगे